राजेंद्र मार दिए, भाग जाओ नालायक यहाँ से, चलिया यहाँ स्वर्ग देखा। ऐसे तोहरी तरह हर धरती के आदमी स्वर्ग देखे लगी थे, हमारे लोग काम खत्म हो जाए। बाबूजी नर्मदा को जब एक लात खींच के मारे देव राजेंद्र, नर्मदा फोकार छोड़ के लगी रोए, रोने लगी बाबूजी। और उसी ज्योति के सहारे धीरे 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 जब धरती पर आ गई माई अनसुईया, देखी बेटी नर्मदे आ गई बेटी, अरे स्वर्ग कैसा लगा बिटिया। नर्मदा रोने लगी कि माँ माँ स्वर्ग तो बहुत अच्छा है माँ, अरे पगली तेरे आंखों में आंसू, बात क्या है रे माँ, स्वर्ग बड़ा अच्छा लगा माँ, लेकिन देव राजेंद्र ने मेरा अपमान कर दिया माँ। कहती क्या है मार साहब, एक लाइन हमारे प्रयागराज इलाहाबाद के खाती थोड़ लगा आप। अरे महातारी हो महातारी, हमके इंद्र देह ना धुधकार, हमके इंद्र देह ना धुधकारी, महातारी हो महातारी, कैले सम्मान नाही कैले सम्मान, बड़ा हो गया अपमान। अम्मा मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दिए देव राजेंद्र, नाही कैले सम्मान बड़ा हो गया अपमान, हमके चराड़ा से दिया ले नमारी, महातारी हो महातारी, मुझे लातों से मारकर भगा दिया। आज स्वर्ग देखने चली आई हो, स्वर्ग खाला जी के घर होइगे बे। माँ मेरा ही अपमान नहीं माँ, मुझे मारकर देव राजेंद्र ने समस्त नारी जातियों का अपमान कर दिया है माँ। हम देव राजेंद्र से बदला चुका हूं मैया। बेटी बदला चुकाना चाहती हो? हाँ माँ, मेरा अपमान हो गया माँ, मुझे कोई युक्ति बताओ मैया। नर्मदा माई अनसुईया से पूछत ब कौनो युक्ति बतावा, हम बदला ले जोन हमका लाते से मार के भगाई देन। तो मास्टर साहब तू लाइन विदेशिया का भाव लगत बा। अरे बदला चुकावे खातिर सुना है मायारिया, अरे हमके बतावा कुछ उपाय हो, हमके बतावा कुछ उपाय, अरे ऐसी जुगुतिया तू हमके बताई देती हूँ, देव राज के दे हम झुकाई हो, देवराज के दे हम झुकाई। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त मानुषिया अपनी शिष्या नर्मदा से कहने लगी कि बेटी अगर तुम देव राजेंद्र से बदला लेना चाहती हो तो सबसे पहले तुमका एक काम करे पड़ी। कहें माई एक काम नहीं, हम हजार काम करे के तैयार है, लेकिन माई हमका देव राजेंद्र से बदला लेख बा, कहे सुना बिटिया तो करे का परी।
अरे बोलिया न सुइया बेटी माना मुर कहनावा। अरे पहले आपन करा तू विवाह, पहले आपन करा तू विवाह। ए बाबू, अनसुइया कहने लगी कि नर्मदा अगर तुमको देव राजेंद्र से बदला लेना है तो पहले तू अपन ब्याह करा। नर्मदा, नहीं यार अब इनके ब्याह में टाइम बा। हे बाबू, माँ मैं आपकी कुटिया में रहती हूँ माँ, आपके चरण कमल की सेवा करती हूँ माँ। बताओ माई के हमसे ब्याह करी माई, तू ऐसा बात बतावत हो मैया, गौर करिएगा आप सब। नर्मदा रोवे लाग कहे माई हम तुहार सेवा करे दू टाइम को रोटी ही मिल जाता है, बताओ हमसे ब्याह के करी मैया। नर्मदा की बात सुनकर अनसुइया कहती है कि बेटी तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो बाबूजी नर्मदा कहती क्या है, मार साहब अरे भाला कौन है जो कि, अरे भाला कौन है जो कि मुझ पे मरेगा, भाला कौन है जो कि मुझ पे मरेगा, भला कौन है भला कौन है जो कि मुझ पे मरे, कौन इस या भागन से, कौन इस या भागन से शादी करेगा, हमरी अभागन से के ब्याह करी। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, माई अनसुइया कहीं बिटिया खाए पी के कुटिया में सोवा सोवा, जब सोए जाऊं सवेरे उठू कुटिया के बाहर जे तोहका मिल जाए सबसे पहले वही के अपन पति मान लू। नर्मदा रोए लाग कहे माई अगर कुकुरो बिलार मिल गए हम उनका अपन पति मान ले। बेटी भगवान जो करता है अच्छा करता है बढ़िया, तू सोवा सवेरे भगवान को पर भरोसा रखा जवन हुई ठीक है हुई। बाबूजी नर्मदा जो कुछ भी नमक रोटी है खाकर कुटिया में लेट गई, उसको नींद नहीं आ रही है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे मालिक सवेरे हम सोए के उठी कुटिया से बहरे हुई तो जे क्यों भी मिले कम से कम मर्द तो मिले। बाबूजी नर्मदा सो गई, जब सुबह उसकी नींद खुलती है, नींद खुली बाबूजी जैसे कुटिया से बाहर आए नर्मदा, देखे कुटिया के सामने एक कोढ़ी बाबूजी पड़ा बा, एकदम कोढ़ी पड़ा बा, हाथ गोड़ होकर एकदम सब अंडबंड बाबा, माछी भिन भिनात है। अरे यार हम बतावत ही हम कोढ़ी कलंदर न हो भाई साहेब। हाँ अरे बाप रे बाप, नर्मदा भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि चला भगवान कम से कम जे क्यों भी मिला मर्द तो मिला। बाबूजी गई कोढ़िया वही एकदम बिगड़ी अवस्था में वहीं पड़ा पड़ा बा, नर्मदा पाँव छू के प्रणाम किया, अब पाँव छू के प्रणाम किया और धीरे धीरे कोढ़िया को गुड़वा लगी दबावे। जब कोढ़िया को गुड़वा दबावे लाग
तो कोढ़िया के सरसराहट बढ़ा शुरू भ कोढ़िया के जब सरसराहट बढ़े लग कोढ़िया कह रहे देवी आप क्या हो अरे हमार गोड़ कहे दबा था वो नर्मदा कह रही है मोरे राजा अरे तू कहाँ जाबे अरे तू हमार पतिदेव है कोढ़िया कहे अब ले अपना के दू टाइम के निवाला के ससुर व्यवस्था ही नहीं है हमसे ब्याह करी अरे देवी देवी जाए दे देवी आज से हम तोरे कुटिया पर नहीं आई नर्मदा कहे कहाँ जाबे कोढ़िया कहत ब नहीं देवी नहीं देवी कोढ़िया कहत का उमर सब दादा राम आधार का लटका लगत बा अरे रहाईदा बबुनिया बना कोढ़िया कहत है दोस्त अरे रहाईदा बबुनिया बना अरे कर भाई हम भी रहाईदा बबुनिया बना बबुनी अब ना करबे हम भी आप अरे कोढ़ावा से काटी गई सागर उबादानिया अरे पिरथा हो जाई गोरी तोहर जवानिया हमरे साथे हो ही नहीं अरे हमरे साथे हो ही नहीं तो हो रही बाहर आई दे बबनिया बना हमें बार प्रयाग आश्रम दो कमल बिटवा एकदम सही बलाल अपने गुरुओं के लिए अपने गुरु वाला सिस्टम तो बनाए कहूं कहूं मार दी थी ना ए बाबू इतने में माई अनसुईया आई गई कह रहे बेटे क्या बात है कोढ़िया कहे माई हम माई हम दू टाइम के निवाला के तरसत है ये कहा था हम तो से ब्याह करब अनसुईया कहें तो कौन गलत बात बा अरे कई न बिया अरे बिया बड़े भाग से होते अरे बाप रे बाप कोढ़िया कहे अब ले अब तू ही है कह दिया हम बिया कह ले रे माई हमार दशा तो देख तू मामा कहे बेटा भगवान के ऊपर भरोसा करो जो भगवान करता है अच्छा करता है जब माई अनसुईया समझाएं तो कोढ़िया कहे ठीक बु माई तू कहा दिया तो हम इनसे ब्याह कह ले लेकिन माई हम सुहाग रात ना मनाओ ना मनाओ माई अनसुईया कहन मतलब कहन माँ हाथ होता है दान देने के लिए पैर होता है तीरथ करने के लिए गला होता है तुलसी की माला पहनने के लिए और पेट प्रसाद ग्रहण करे के लिए मुंह भजन करे के लिए माई हमारे कौ ठीक ठाक नहीं बा कहा है माई मेरी एक अभिलाषा है मेरी एक इच्छा है माँ अगर नर्मदा हमका तमाम तीर्थ स्थल का दर्शन कराई दी दर्शन कराई दे ही जब दर्शन कह के हम लौट के आओ तब हम सुहाग रात मनाओ नर्मदा बाबूजी अपने पति कोढ़ी पति का माथा चूम लिया मानसिया गंधर्व विवाह कराई माथा चूम लिया दोस्त और कहती है कि आप जैसे पति का मुझे खिदमत करने का मौका मिला जहाँ कहबे हुआ हम लिया के चलब बाबूजी आज नर्मदा बार हमारे हिंदुस्तान की बाला कोढ़िया के अपने गोदी में उठा लिया कोढ़िया के गोदी में उठा लिया और तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन करा रही है स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी के अंदाज लगत है मर साहब
फिर बेड़ी स्नान किया फिर आगे रास्ता निकल पड़ी ऋषि के सहारी द्वार हो तकी बद्रीनाथ पहाड़ चढ़ी केदारनाथ यऊ अमरनाथ से केदारनाथ यऊ अमरनाथ से ए बैजनाथ बहादुर बड़ी अरे काशी में जब पहुंच गई अरे काशी में जब पहुंच गई न तब विश्वनाथ पे नजर पड़ी अरे सती पतिव्रता नारी अपने कोढ़ी पति को गोदी में लेकर बाबूजी तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन करा रही है। रेगिस्तान जब पहुंच गई तब अरे दशा हो गई ही न हो सपनवा पूरा हो ही नर्मदा कहे कोढ़ी पानी बिन तड़पत बाबा दानवा ए बाबू नर्मदा एक गलती कर बैठती है गर्मी के महीने में बाबूजी पुष्कर क्षेत्र राजस्थान मास्टर साहब अपने कोढ़ी पति को लिवा कर चल देती है। बाबूजी झकोरा चल रहा है बालू के कण उड़ कर आते हैं और कोढ़ी के बदन पर पड़ते हैं कोढ़ी चौंक जाता है। बाबूजी गर्मी ज्यादा है धूप चिलचिलाती है कोढ़ी कहता है कि नर्मदे मेरी प्यारी मुझे पानी पिला दो मुझे पानी पिला दो नर्मदा नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे देवी मुझे प्यास लगी है। बिरहा सुने वाले पंचो नर्मदा अपने कोढ़ी पति को एक छोटा सा वृक्ष है छोटी सी झाड़ी है छोटी सी छाया है वही छाया में कोढ़ी के बैठाए देस और बाबूजी कमंडल लेकर पानी की तलाश करने लगी। इतने में तीनों देवियां हेलो इतने में तीनों देवियां बाबूजी देखने लगी कि कितनी बड़ी सती नर्मदा हो गई है। अरे बाप रे बाप कोढ़ी कलंदर पति के लेके जगह जगह दर्शन करावत बा पति प्यासा है पानी पिलाने के लिए पानी ढूंढ रही है तीनों देवियां लक्ष्मी ब्रह्मानी सरस्वती कहीं चला एकर परीक्षा ले जाए। तीनों देवियां बाबूजी एक सुंदर घड़ा जल ले के माया का कुटिया बनाए के बैठ गए कि पानी तलाशत तलाशत हमारे लोग के लगे आई है जरूर। एक लाइन गीत लगत है हमारे साहब दर्जिया बड़े पुराने लगत है अरे नेकी बदी की दोराहो में अरे नेकी बदी की दोराहो में अरे यार पर है जिंदगानी ये तेरा जीवन बहता पानी ये तेरा नर्मदा कमंडल ले पानी पानी करटन लगाते चली जा रही पानी कहीं मिल नहीं रहा है दोस्त।
तीनों देवियां माया कुटिया बनाए के घड़ा जल लेके बैठी हैं। नर्मदा देखत है कि रे बाप रे बाप, वो कुटिया दिखाई दे रही है, कुटिया में जरूर कोई रहता होगा, मेरे पति को पीने के लिए पानी मिल जाएगा, कहना है प्यासे पति जी तड़प रहे हैं, प्यासे पति जी तड़प रहे हैं, नीर नहीं मिल पाता कुछ तो रहम करो हे माता। मेरे पति जी बड़े प्यासे हैं माँ, तनी के एक कमंडल जल दे देना, बिन कहना है बिनती करती हूँ मैं, पापा करती हूँ मैं, बिनती करती हूँ मैं, पापा करती हूँ मैं, थोड़ा सा पानी दे दो हमें जिंदगानी दे दो, नाता की कुछ तो रहम करो हे माता। अरे बाबूजी, इतने में तीनों देवियां कहती है कि तू बहुत बड़ी प्रतिपत्ता है, अपने पति को पीने के लिए पानी लेने के लिए आई हो, एक कमंडल जल नहीं, पूरा जोन खड़ा भरा भाई हम खड़ा दे दे, लेकिन एक काम करना होगा माँ, एक काम नहीं, मैं अपने पति की सेवा के लिए हजारों काम करने के लिए तैयार हूँ। कहे बोला ना, कहे ऐसा है पानी दे दे, लेकिन ये दोनों पैरवा अपन काट के हमका दे दे। तीनों देवी कहें कि पानी एक कमंडल नहीं पूरा घड़ा दे दे, लेकिन अपन दोनों पैर काट के हमहन लोगन की। बाबूजी नर्मदा सहमी नहीं, डरी नहीं, बल्कि मुस्कुरा दिया, माँ अगर हम दोनों पैर काट के दे दे तो हमका एक घड़ा भर के जल दे देबू। हाँ नर्मदा कहती क्या है, पापड़ का भाव लगवा साहब, अरे पद के बदले में बहनी तू मंगलुआ चरणवा हो, अरे पद के बदले में बहनी तू मंगलुआ चरणवा हो, अरे सच में मांगा देवी दाई दे आज परणवा हो, कहती है कि रे माँ ये पांव का बात करत हो, मैं अपने पति के पानी के लिए अपना पूरा प्राण न्यौछावर कर सकती हूँ, कहें प्राण न चाहिए ले कटारी ले अपन दोनों गोड़ काट के हमका, अरे हाथ कटारी उठा लिया है, अरे तनिक देर ना लाई, अरे दोनों पैर को काट दिया तब, अरे दर्द से ना चिल्लाई, अरे नभ से देवता देख रहे हैं चढ़ चढ़ के भी मनवा हो, अरे नभ से देवता देख रहे हैं चढ़ चढ़ के भी मनवा हो, अरे परसई लागा देव लोग से देखा आंसू मनवा हो, आप सब
बाबूजी दोनों पैरों को काट दिया, बाबूजी खूनों की धारा बहने लगी, तीनों देवियां लक्ष्मी ब्रह्मानी माई पार्वती एकदम हक्का बक्का हो गई। बाबूजी समस्त देवी देवता नर्मदा के सतीत्व को देखकर फूलों की वर्षा करने लगे। जो देवराज इंद्र नर्मदा स्वर्ग देखने गई थी लात मारकर भगा दिए थी, आज देवराज इंद्र का गर्दन बाबूजी शर्म से झुक गया और नर्मदा के पास स्वर्ग लोक से धरती पर चले आते हैं। तीनों देवियां एक घड़ा जल्दहीन नर्मदा ही हाथे में दबाए दोनों गोड़ कटा वैसे खिसलते हुए चली जा रही है। पार है हमारे हिंदुस्तान की सती। बाबूजी इतने में देवराज इंद्र आकर नर्मदा के सामने नतमस्तक होते हैं, कह रहे नर्मदे मैं नहीं समझ पाया नर्मदा कि तू इतनी बड़ी सती है रे, तू इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है, अपने पति के एक कमंडल जल के लिए तुमने दोनों पैरों को काट कर दे दिया। लक्ष्मी ब्रह्मानी माई पार्वती के गर्दन शर्म से नीचे हुई गई, कह रही बाप रे बाप, पा रे महासती अनुसुईया की शिष्या नर्मदा। बाबूजी देवराज इंद्र पैरों पर गिरना चाहते हैं लेकिन नर्मदा खड़ा ले हाथ से पकड़ ले, ना देवराज आज आप मुझे आकर दर्शन दिए, मेरा अपमान आपने किया था लेकिन आकर मेरे सामने आपने गर्दन झुका दिया, अब इससे बड़ी कीर्ति मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। बाबूजी भगवान कृपा जौने रास्ता से नर्मदा घिसलत जात बहुत का बिरहा का आखिरी प्रमाण में बाबूजी नर्मदा घिसलते चली जा रही है, होता क्या है हमारे साथ जवन रहिया के चल लई के चाली भैली, अरे जवन रहिया के चल लई के चाली भैली, अरे कायम नर्मदा नदी है बाबू होई गईली। के चली भैली, कायम नर्मदा नदी है बाबू होई गेली। चौने रास्ते से घिसलते हुए चली जा रही है, नर्मदा के नाम से एक नदी उत्पन्न होती है। दोस्त देवराज इंद्र कहते हैं कि नर्मदा क्या चाहती है तू, क्या मुझसे चाहिए, मेरे गलती को क्षमा कर दे नर्मदा, मैं समझ नहीं पाया, चरणों की ठोकर देकर तू मुझे भगा दिया। अरे कल्याणी नदी भैली, अरे निर्मल जे कर पा, अरे सती नर्मदा के बाबू अमर भाई कहानी, आए बाबू। देवराज इंद्र कहते हैं कि नर्मदा क्या चाहती है, कुछ मांग ले, कहे प्रभु अगर कुछ देख होए तो हमारे पति के कोढ़ है ठीक नहीं दे। देवराज इंद्र ने कहा जाओ यो मस्त ऐसा ही होगा, बाबूजी आज कुढ़िया का नई नई अंगुरी उंगुरी जाम लाग कुढ़िया देखे से बाप रे बाप, ये कैसे कृपा भाई, मरीज के जब मरई को होते एकदम ठीक होता। कहने नर्मदा पहुंचती है बाबूजी और नर्मदा का पांव भी ठीक हुआ, भगवान की कृपा रही दोस्त। तो होता क्या है, अरे कुढ़िया काम देव जस लागे, अरे नर्मदा लागे जसरती, अरे कायम नर्मदा नदी है बाबू होई गई। बाबूजी उसी नर्मदा के नाम से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई। पारे सती नर्मदा, सती अनसुईया, सती नर्मदा, सती फूल कुमारी, सती सावित्री, सती हुबराजी। ई कौन हुबराजी सती है? सती हुबराजी अपने फूलपुर। अच्छा ये तोरे गांव को है, कहना है मर साहब। अरे स्वर्ग में असल्ला है गुरुवर मुन्नी लाल पंधा, अरे कथन किया कवि फूल, अरे मां शारद कह
बलिहारी अरे सपनवा पूरा हो ही नर्मदा अरे राकेश पप्पू यादव के तोड़न पही को होई सपनवा पूरा हो ही नर्मदा बहुत बहुत प्रणाम। गाने बजाने में कोई त्रुटि हो गई होगी अपना बेटा भाई बच्चा समझकर क्षमा करेंगे। आदरणीय नंदनी जी के नंबर बा, लेकिन